व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आप पैतृक संपत्ति के बारे में। क्या हम पैतृक संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, और अगर हम बेच भी सकते हैं तो क्या कंडीशंस है। इसी के साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है इस विषय पर, इस पर बात करेंगे। और साथ ही में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, 1956 जो है, और लॉ ऑफ प्रीएम्पशन। बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो होता है कि हम अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी को किसी को हम बेच सकते हैं, उससे पहले क्या क्या चीज हमें करना चाहिए, अब वही चीज आता है आपका लॉ ऑफ प्रीएम्पशन के बारे प्रीएम्पशन में। और इसी के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली सारी बातें कनेक्टेड है, तो सारी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो फिनिक्स बी लीगल का हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम अपनी पैतृक संपत्ति किसी बाहर व्यक्ति को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि यही एक बेस होता है ना। कोई भी अगर हम कोई कानून के बारे में बात करते हैं या उस कानून की कोई कुछ विशेष चीज के बारे में बात करते हैं, उसका बेस के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो हिंदू जो लोग है और हमारा जो प्रॉपर्टीज का जो भी कानून जो जो गवर्न होता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। और अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो उसके हिसाब से हमारी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो सर्वक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने खुद के पैसों से खरीदी है, खुद के पैसों से मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बाप दादा से हमें, मतलब 4 जनरेशन की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाती है। यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाता है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की कैटेगरी में चले जाती है। इस विषय पे मैंने बहुत क्लियर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। मैं कोशिश करूँ कि उसका लिंक ऊपर डालू, अदरवाइज ऑल्सो आप जाके मेरे वीडियोज के जो है उस पर आप देख सकते हो, पैतृक संपत्ति के बारे में लेकर रहता है वो। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गया है ना, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ प्रिवेंशन। ये लॉ ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? लॉ ऑफ प्रिवेंशन को अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बोले तो प्रोफेशनल राइट, प्रोफेशनल राइट। और प्रोफेशनल राइट्स को भी अगर मैं और सिंपल शब्दों में बोलूं कि पहला अधिकार है ना, ये पहला अधिकार होता है। अब ये पहला अधिकार का जो कानून है ये बहुत ही पता इंटरेस्टिंग इसमें ये होगा कि खाली हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही नहीं, हमारे मुस्लिम लॉ में भी है। साथ ही साथ में जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई हम विल कर रहे हैं तो वहां पे भी ये लॉ प्रिएम्पशन अप्लाई हम कर सकते हैं। अब हम समझाते हैं कि लॉ प्रिएम्पशन होता क्या है। पता जैसे मैंने बोला ये प्रोफेशनल राइट होता है, मतलब पहला अधिकार। अब अगर मुझे कोई मेरा प्रॉपर्टी को बेचना है ना, मैं विल की बात करती हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। मैंने विल कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे को विल कर दिया, लेकिन मैंने उस बिल पे कंडीशन ये डाल दिया मेरे बेटे को। मैंने ये बोला कि अगर तुम्हें जब ये प्रॉपर्टी बेचना है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी जो है तुम अपने, तुम्हारी जो कजन सिस्टर है पहले तुम उसको बेचोगे, उसको तुम ऑफर करोगे कि तुम्हें बेचने वाले हो। अगर वो खरीदती है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं खरीदती है, रिफ्यूज कर देती है, तभी तुम जाके किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी और को तुम बेच सकते हो। ये होता है लॉ प्रियम्पशन। ये लॉ प्रियम्पशन जो होता है ये हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या विल्स वगैरह पे भी हम लगा सकते हैं। पर यहाँ पे तो आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो लॉ प्रिवेंशन कौन से प्रोविजन में बोला गया है, कौन से सेक्शन में बोला गया है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये लॉ प्रिवेंशन के बारे में बात करता है। तो यह सेक्शन को मैंने यहाँ लगा दिया है, मैं पढ़ देती हूँ। द प्रोफेशनल राइट, मैं शायद इसको सही प्रमाण नहीं कर पा रही हूँ, प्रोफेशनल राइट्स रेमेडी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट मे बी यूज बिफोर द सेलिंग ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने कहा कोई भी बेचने से पहले ये राइट का यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन व्हेन वन को शेयरर इंटरेस्ट टू द ट्रांसफर इज शेयर द अदर को शेयरर मे अप्लाई टू बाय दैट पोर्शन। अब दो तीन भाई हैं, प्रॉपर्टी दो तीन भाइयों के बीच में बंटने वाली है, और एक भाई जो है वो बोल रहा है कि मुझे अपना प्रॉपर्टी बेचना है, मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मैं रखना नहीं चाहता, उसको बेचना चाहता हूँ। तो उसके जो दो भाई हैं उनके पास पे राइट आ जाता है लॉ प्रोफेशनल प्रोफेशनल राइट का प्रीएम्पशन, लॉ प्रीएम्पशन का आ जाता है कि आपको पहला ऑफर उनको करना होगा, दोनों भाइयों को। अब दोनों भाई में से जो आपको ज्यादा ऑफर करेगा आप उसको बेचोगे, लेकिन ऑफर तो पहले अपने भाइयों को करना पड़ेगा। अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं तभी आप जाके किसी बाहरी व्यक्ति को दे सकते हो। दिस सिचुएशन में अगर व्हेन को शेयर होल्डर गेट इनटू एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट टू सेल द थर्ड पार्टी। ये सिचुएशन तब भी होगा जब आप अपना प्रॉपर्टी को बेचने वाले हो, मतलब
प्रॉपर्टी तीन भाइयों के बीच में बटी हुई है। अब तीनों भाइयों ने वो अब इस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाह रहे हैं, है ना। अपने बीच में वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी हम बेचेंगे तो सबसे पहला हम अपने भाइयों को बोलेंगे कि को ए या बी जो भी है वो पहले अपने भाई को ऑफर करेगा, भाई अगर नहीं लेगा तभी हम तीसरा देखेंगे। एक एग्रीमेंट में भी हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बोला। द सोल्यूशन इज टू अप्लाई फॉर द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वंस द सेल इज फाइनलाइज। इफ यू स्टेट लॉस कस्टमर प्रायर केसेस नॉलेज दिस राइट मे बी सिविल राइट इफ नो स्टैचुरी प्रोविजन एग्जिस्ट। चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे दूसरे भी सिविल राइट्स लॉ में आते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जिसमें इस सेक्शन 22 हिंदू सेक्सेशन एक्ट या लॉ प्रिवेंशन के बारे में बोला गया है। तो इसका जो फैक्ट्स ऑफ द केस वो ऐसा है कि टू ब्रदर्स संतोष सिंह एंड नाथूराम इनहेरिटेड अमंग अदर सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन लोग एग्रीकल्चर लैंड जो पिताजी का था वो इनके नाम पे हो गया। According to Santokh Singh, an arrangement was arrived in terms of which the brothers were to be in separate enjoyment of certain specified pieces of land. अब दोनों भाई ने decide किया कि वो अपना pieces को जो जो land है उसको वो अलग-अलग कर लेंगे। ये decide वाले लोग के बीच में। Since Nathuram was not interested in continuing with the said arrangement, he gave a legal notice to the Santokh Singh and later executed a register sale deed on 19/8/1991 respect of his interest in the land in favour of Baburam. अब ये जो joint property थी ये partition नहीं हुई थी, ठीक है? Partition होने से पहले ही जो एक भाई था इनका जो नाथूराम था वो नहीं चाहता था कि पार्टीशंस वगैरह हो। वो मतलब अपना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं चाहता था, तो उसने अपने भाई को एक नोटिस दिया और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी उसने किसी थर्ड व्यक्ति बाबूराम को बिक्री कर दिया, एक सेल डीड कर दिया। तो ये इसके फैक्ट्स ऑफ द केस है। अब हम आते हैं सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 के तीन पार्ट है, सेक्शन 22 सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। हर तीनों चीज कि को ही सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है अपने जजमेंट में। तो पहला है सब क्लॉज 1, वेयर आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट इन इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट और इन एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम और हर वेदर सोली और इन कंजक्शन विद अदर डिवोर्स अपॉन टू और मोर हेयर स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल एंड एनी ऑफ द सच हेयर प्रपोज टू ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस द अदर हेयर शैल हैव अ प्रोफेशनल राइट टू एक्वायर द इंटरेस्ट प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड। बहुत सिंपल सा बोला गया इसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम में आती है, जॉइंट प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे आती है, अगर कोई एक व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी को बिक्री करना चाहता है तो पहला वो सेल करने का जो रहेगा या प्रॉपर्टी को बिक्री करने का जो अपने भाई को या बहन को पहले वो देगा, उसको बोलेगा कि तुम ये खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना। अगर वो पर्सन नहीं खरीदना चाहता है तभी आप बाहर को दे सकते हो। ये आपका सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सब क्लॉज 2 को। द कंसिडरेशन फॉर विच एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज मे बी ट्रांसफर अंडर द सेक्शन शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बीइंग मेड इट ऑन दिस बिहाफ एंड इफ एनी पर्सन प्रपोजिंग टू एक्वायर द इंटरेस्ट इज नॉट विलिंग टू एक्वायर इट फॉर द कंसिडरेशन सो डिटरमाइंड दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पे ऑल कॉस्ट ऑफ और इंसिडेंट टू द एप्लीकेशन। अब बात आ जाती है कि ठीक है मैंने बोल दिया मेरे भाई को खरीदने के लिए, लेकिन भाई तो मेरा 10 लाख दे रहा है लेकिन मुझे तो मेरे प्रॉपर्टी को 20 लाख चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट पर जाकर वो प्राइस जो है वो फिक्स कर सकते हो। और अगर फिक्स प्राइस पे भी आपका भाई खरीदने को तैयार नहीं होगा तो जो भी डैमेजेस वगैरह का होगा वो उसे देने का बात इसमें बोला जाता है। मतलब वो एक तरह से उसका राइट खत्म हो जाता है प्रीएम्पशन पे। अब हम आ जाते हैं सब क्लास 3 में। इफ देयर टू और मोर हैज स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल प्रपोजिंग टू एक्वायर एनी इंटरेस्ट अंडर दिस सेक्शन दैट हियर हु ऑफर्स द हाईएस्ट कंसीडरेशन फॉर द ट्रांसफर शैल बी प्रेफर। Explanation in this section, court means the court within the limit of whose jurisdiction the immovable property is situated or the business is carried on and includes any other court which the state government may by notification in the official gazette specify in this behalf. अगर दो भाई हैं, तीन भाइयों के बीच में हो रहा है, ए बोल रहा है कि मुझे अपना प्रॉपर्टी बेचना है, बी या सी बोल बी बोल रहा है मैं 10 लाख दूंगा और सी बोल रहा है मैं 15 लाख दूंगा, तो ए जो है अपना प्रॉपर्टी सी को बेच सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो जो सब जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा प्रॉपर्टी का उसको आप बेच सकते हो। ये बात सब क्लॉज 3 में बोला गया है सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का। अब हम आ जाते हैं जजमेंट के बारे में। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों ही सब क्लॉजेस को ही मेंशन करके बोला है कि आप इसके पास पे तो आपको सबसे पहले अपने भाई को ही देना था। जब आपने अपने भाई को नहीं दिया है तब आपने तीसरे व्यक्ति को दे दिया तो वो गलत है और वो जो सेल डीड को वो कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं पढ़ू इसको, डिसाइडेड इन केस इन फेवर ऑफ संतोष सिंह स्टेटिंग दैट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू बाबूराम वाज नॉट वैलिड एज इट वाज द ड्यूटी ऑफ द नाथूराम बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल राइट ऑफ हिज ब्रदर संतोष सिंह अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द एक्ट अबाउट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू ऑफर द प्रॉपर्टी फर्स्टली टू संतोष सिंह एंड इन केस ही रिफ्यूज टू बाय द सेम देन नाथू सिंह वाज अलाउड टू सेल इट टू अ थर्ड पर्सन। तो वही बात में संतोष सिंह इसीलिए कोर्ट में आया था कि उसके भाई ने प्रॉपर्टी को बेच दी थी,
अब भाई जो जो बाबूराम जो था जिसने खरीदा था उसके ऊपर केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि बाबूराम ने जो प्रॉपर्टी खरीदा है उस पर उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर संतोष सिंह उस प्रॉपर्टी को नहीं चाहता या नहीं खरीदता, जो सारे जो प्रोविजन है सेक्शन 22 के सब क्लास 1, 2 और 3 अगर पूरे हो गए होते और उस पर संतोष सिंह नहीं खरीदता, तब जाके आप बाबूराम को बेच सकता था। लेकिन बाबूराम लेकिन संतोष सिंह को ये मौका ही नहीं मिला प्रोफेशनल प्रोफेशनल राइट का, राइट ऑफ प्रिवेंशन का। तो जो बाबूराम को जो बेचा गया है वो गलत है और वो जो सेल डीड है वो कैंसिल हो गया है। तो अगर हम मुद्दे की बात करें तो क्या हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल आप बेच सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको लॉ ऑफ प्रियम्पशन पे अप्लाई करना होगा। पहले अपने भाई बहनों को जो है उसको पहले ऑफर करना होगा, अगर वो सेक्शन 22 सब क्लास 1, 2, 3 के उस पे बैठ जाते हैं तो आप उनको बेचिए, अगर नहीं बैठ रहे तो आप किसी बाहर आदमी को बेच सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी पे हम आज का वीडियो यहीं पे था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिनिक्स पे ली गई।